ठीक पेट्रोल पंप से लगा हुआ एक नर्सिंग होम, हादसा होने पर बचने का कोई चांस नहीं, परमिशन कैसे मिली जांच का विषय। रीवा का स्वास्थ्य अमला रिकॉर्ड की जांच कर रहा, कार्रवाई निश्चित रूप से होगी, सीएमएचओ रीवा का कहना। ठीक पेट्रोल पंप से लगा हुआ एक नर्सिंग होम, हादसा होने पर बचने के कोई चांस नहीं, परमिशन कैसे मिली जांच का विषय। रीवा का स्वास्थ्य अमला रिकॉर्ड की जांच कर रहा, कार्रवाई निश्चित रूप से होगी, सीएमएचओ रीवा का कहना। रीवा में अभी एक नर्सिंग होम ऐसा खुला जो ठीक पेट्रोल पंप से लगा हुआ है। यहाँ पर पार्किंग का भी अभाव है। जबलपुर में अभी हाल ही में एक नर्सिंग होम में आग लगने की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद पूरे प्रदेश में नर्सिंग होम की जाँच चल रही है। जरूरी चीजों की उपलब्धता पर रीवा जिले का स्वास्थ्य अमला ध्यान दे रहा है। आज जब हमने सीएमएचओ रीवा से इस नर्सिंग होम के बारे में बात की तो उनका साफ तौर से कहना था, परमिशन कैसे मिली हम कागजात चेक करा रहे हैं। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प को भी इस बारे में जानकारी है, जल्दी हम उचित निर्णय लेंगे। माना जा सकता है जिस तरीके से इस नर्सिंग होम को परमिशन मिली है अपने आप में कई सवालों को जन्म देती है। जाँच के बाद अब देखना दिलचस्प होगा जिन जिन विभागों ने इस नर्सिंग होम को परमिशन दी है क्या वह कानूनन सही है या फिर गलत तरीके से किसी के दबाव में यह परमिशन दी गई है। रीवा का स्वास्थ्य विभाग फिलहाल सभी नर्सिंग होम को नोटिस देकर बिल्डिंग कम्प्लीशन प्रमाण पत्र के साथ नगर निगम से प्राप्त परमानेंट फायर एनओसी और मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड से प्राप्त एनओसी की मांग कर रहा है। रीवा सीएमएचओ का साफ तौर से कहना है, फिलहाल हम नोटिस दे रहे हैं, जाँच कर रहे हैं, कमियां पाए जाने पर निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा जबलपुर में हुए हादसे से रीवा का स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से सबक लेता है, किस तरीके से आगे कार्रवाई करता है। साफ तौर से माना जा सकता है जिस तरीके से आज सीएमएचओ रीवा एनएन मिश्रा स्वयं मैदान में दिखाई दिए, अपने पूरे अम के एक नर्सिंग होम में जाकर वहां के कागजात, वहां की व्यवस्थाओं पर नजर बना रहे हैं, लगातार अच्छाई और कमियां दोनों देख रहे हैं, क्या कमी है क्या कमी नहीं है। उनने एक ऐसे ही नर्सिंग होम में इंस्पेक्शन के बाद जब हमने बात की तो उनका इस नर्सिंग होम को लेकर क्या कुछ कहना था, आप भी सुनिए। इनके अमन रीवा में एक जगह नरवा नर्सिंग होम अभी नया खुला है जी, ठीक उसके बाहर पेट्रोल पंप है, तो कभी हादसा हुआ तो क्या वहाँ पर बचाव संभव है, कैसे बचाव कतई संभव नहीं, पेट्रोल पंप के बगल में है, उसके संबंध में चर्चा चल रही है, माननीय कलेक्टर साहब से चर्चा करने के बाद उसमें निर्णय लिया जाएगा और उसमें भी कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।